हाय दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी रॉयल एनफील्ड क्रैश के ऊपर, जिसमें मैंने 5 रॉयल एनफील्ड के एक्सीडेंट दिखाए थे। उसमें लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किए हैं, लोगों ने राइडर्स को गाली भी दिए हैं, ऑटो वालों को गाली दिए हैं, मल्टीपल तरह के कमेंट्स जो है उसमें देखने को मिले थे। एंड बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है शेयर करिए, मतलब इस वीडियो में एक्चुअल में हुआ क्या है वो एक्सप्लेन करिए। तो कई लोगों को डाउट्स थे, वो भी हम क्लियर करेंगे। एंड एक्चुअल में वीडियो में हुआ क्या है एंड क्या मिस्टेक राइडर कर रहे थे वो भी हम डिटेलिंग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, उससे पहले ये 4 लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई भी लाइफ, मतलब ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उसकी डेथ नहीं हुई है इस वीडियो में। एंड दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो 1 से। फर्स्ट वीडियो में ऑटो वाला और रॉयल एनफील्ड वाले दोनों के एक्सीडेंट होता है। एंड इसमें अगर आप पहले से देखेंगे तो जो राइडर है ना, वो थोड़ा सा मस्ती की मूड में ज़्यादा ही चला रहा है एंड सामने ऑटो वाले ने भी रोड क्रॉस करते हुए नहीं देखा है। तो इसमें मिस्टेक वैसे दोनों की ही है। एंड इसमें रॉयल एनफील्ड का उतना खर्चा नहीं आया, थोड़ा बहुत ही खर्चा इसमें देखने को मिला। बट इसमें जो मिस्टेक मेरे हिसाब से है वो राइडर की मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप पूरे कंप्लीट वीडियो देखेंगे इसकी तो थोड़ा सा वो पहले से फंकी मूड में थे, एक दो जगह पहले भी बचे हुए थे एंड फाइनली यहाँ पर आके एक्सीडेंट हो गया। एंड दोस्तों ऑटो वाले की भी ज़्यादा मिस्टेक है, बिकॉज वो रोड क्रॉस करते हुए नहीं देखते हैं। एंड ये आपने मल्टीपल सिटीज़ में देखा होगा। सेकेंड वीडियो में दोस्तों क्लासिक गर्मेटल ग्रे का एक्सीडेंट जो है इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो राइडर है वो ग्रुप राइड कर रहा होता है। अगर आप इस वीडियो को क्लियरली देखेंगे तो ये आपके जो राइट हैंड साइड में जो राइडर है वो अपना लेन चेंज करता है एंड सडनली सामने ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। एंड इसके वजह से जो गनमेटल ग्रे राइडर है वो साइड वाले से बात कर रहा होता है एंड सडनली एक्सीडेंट हो जाता है। एंड ऐसा देखने को ग्रुप राइड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी आप ग्रुप राइड कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कुछ ज़्यादा ही मस्ती में राइड कर रहा होता है एंड कभी भी सडन ब्रेक, कभी भी सडन लेन चेंज कर रहे होते हैं। एंड ऐसा रोड पर करने की वजह से ये एक्सीडेंट होता ही है। तो अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई राइडर है तो उससे बहुत ज़्यादा लंबी दूरियां बना के रखिए, क्योंकि वो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जो है इंक्रीज़ करते हैं। एंड जब भी आप ग्रुप में राइड कर रहे हैं थोड़ा जिम्मेदारी से राइड करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड ऑलवेज जब भी आप संडे राइड या सैटरडे राइड कर रहे हो ना तो राइडिंग गियर हमेशा यूज़ करिए, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होंगे। यानी ग्रुप में होता रहता है ऐसा। थर्ड जो एक्सीडेंट है उसमें राइडर बहुत ही ज़्यादा लकी निकला कि जो सामने जो मिनी ट्रक वाला बंदा था उसने ब्रेक लगा दिया। इसमें टर्निंग पे जैसे ही ब्रेक किया तो बाइक जो है प्रॉपरली डिसबैलेंस हुई एंड राइडर जो है एकदम जो मिनी ट्रक है उसके सामने आकर रुक गया। एंड अच्छा हुआ कि जो मिनी ट्रक वाला है उसने ब्रेक लगा दिया। अब इसमें मिस्टेक अगर कहा जाए तो ऑब्वियसली बात है कि राइडर की मिस्टेक है। राइडर ने टर्निंग पे जो है ब्रेक लगाया एंड रॉयल एनफील्ड की ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपरली वो स्टैंड कर जाए। तो हमेशा टर्निंग पे कई सारे राइडर्स को एक्सीडेंट होते हुए देखा है। मैंने लास्ट वीडियो जो शेयर की थी रॉयल एनफील्ड की, उसमें भी जो है टर्निंग में ही जो है एक एक्सीडेंट देखने को मिला था। एंड इसमें भी राइडर सेफ रहा, हल्की फुल्की चेट के चोटों के साथ में जो है वो बच गया एंड वो बहुत ही ज़्यादा लकी था। फोर्थ वीडियो में कमेंट सेक्शन में ऑटो वालों को बहुत ज़्यादा गालियाँ जो हैं देखने को मिली थी। इसमें जो है ऑटो वाले ने सडन लेन चेंज किया, उसके वजह से जो है रॉयल एनफील्ड राइडर ने पैनिक ब्रेकिंग की। पैनिक ब्रेकिंग में हमेशा एक्सीडेंट होने के फुल्ली चांसेस होते हैं। रॉयल एनफील्ड की ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है तो पैनिक ब्रेकिंग वजह से। एंड ऑटो वाले हर सिटी हो हर स्टेट में इसी तरह चलाते हैं, किसी भी लेन में कभी भी चेंज कर देते हैं। दोस्तों फिफ्थ जो वीडियो है उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं। इसमें डॉग के वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ था। जब आप देखेंगे रॉयल एनफील्ड राइडर जो है चला रहा है एंड सडन जो है वो राइट साइड लेता है डॉग को बचाने चक्कर में एंड ये एक्सीडेंट होता है। एंड राइडर बहुत गंदी तरीके से गिरा है, बुलेट भी बहुत आगे तक घिसड़ी है, डॉग को भी अच्छी तरीके से लगा होगा मगर देख रहे हैं आप बच गया डॉग, फिर भी गाड़ी जो उसके ऊपर नहीं चढ़ी है तो डॉग को हल्के फुल्के चोट आए होंगे, जो राइडर है उसको भी अच्छे चोट आए एंड बुलेट को भी मस्त तरीके से घिसड़ी है। बट इसमें किसी को भी जो है मेजर इंजरी जो है नहीं देखने मिली है। डॉग अगर आप देखेंगे अभी तो वो थोड़ा सा बोलते हैं ना पैनिक सिचुएशन में ज़्यादा, तो थोड़ा सा डॉग है, वरना जैसे ही वहाँ से बस गुजरेगी ना, जैसे आप देखिए बीच में था डॉग, जैसे ही बस गुजरेगी तो वहाँ से वो डॉग जो है हट जाएगा एंड वो धीरे धीरे अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो वहाँ से वो डॉग जो है भाग जाएगा। बट इसमें किसी की भी जो है मेजर इंजरी नहीं हुई। अब इसमें मिस्टेक की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है राइडर की मिस्टेक होती है। जब भी डॉग और एनिमल कुछ भी आपको दिखता है ना तो बाइक अपनी सडनली स्टॉप कर लीजिए या फिर स्लो कर दीजिए, जिससे कि वो क्रॉस हो जाए, क्योंकि एनिमल सडनली कहीं भी मूव कर जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स कई बार देखने को मिलती है और ये हर राइडर के साथ कभी ना कभी तो होता है। अगर आप रोड पर चला रहे हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को
मिलेंगी। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा एंड ऐसी मिस्टेक जो है आप रोड पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप रॉयल एनफील्ड राइडर हैं तो आपको मालूम होगा कि रॉयल एनफील्ड की ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए क्योंकि बाइक थोड़ी हैवी है, हैवी बाइक है तो ब्रेकिंग कंट्रोलिंग उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो पैनिक ब्रेकिंग जब भी आप करते हैं तो बाइक गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहूँगा कि हमेशा ड्यूल चैनल ABS बाइक जो है प्रेफर करिए, उसमें थोड़ा सा पैनिक ब्रेकिंग में आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, हालांकि फुल सेफ्टी तो उसमें आपको नहीं दे पाएंगे, ब्रेक तो ब्रेक ही होते हैं, कंट्रोल तो आपके हाथ में होना ही चाहिए बाइक का, तभी आप प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं बाइक को। एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो कैंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्म वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।